भोला जी के बाद अब बारी हास्य की, और हास्य अगर कानपुरिया स्टाइल में हो तो कैसा होता है? हेमंत पांडे जैसा होता है। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। सर ने मेरे विषय में बताया, मैं कानपुर का हूं और होली का उत्सव है, पूरा हिंदुस्तान उत्सव मना रहा है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हूं। कानपुर वाले परमानेंट डिस्टर्ब रहते हैं और मेरा मूड वैसा बहुत ख़राब है सुदीप भैया, सही बता रहा हूं मैं आपको, बहुत खराब। आप कानपुर चले जाइए, किसी आदमी से मिलिए तो आपको लगेगा हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा प्राणी है जो पूरे संसार से अलग है। एक दिन तो हमसे एक पाप हो गया, इतना बड़ा पाप हुआ कि दुनिया में किसी ने नहीं किया। मैं तो हरियाणा में था, कानपुर लौटा तो एक आदमी बस स्टॉप पर बैठा था। मेरा पाप सर ये रहा कि हमने केवल उससे टाइम पूछ लिया। हमने कहा भाई साहब टाइम क्या हो रहा है? तो उसने कहा ऐसा तुरंत निकल लो, तुरंत निकल लो, तुरंत, टाइम बहुत ख़राब है, हमारा मूड भी बहुत ख़राब है, तुरंत निकलो। अरे हमने कहा यार टाइम तो पूछ रहे हैं, तो उसने कहा बता चुका ना टाइम बहुत ख़राब है, तुरंत निकल लो यहाँ से दो मिनट में, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी ख़राब होगा। हमने कहा यार टाइम ना बताओ, ये तो बता दो भैया नाराज़ किस बात पर हो, भड़क क्यों रहे हो? तो उसने कारण बताया, कहते हैं भाई साहब एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे, उसको हिंदुस्तान का सबसे मर्यादित लड़की समझते थे, सबसे संस्कारित। तो हमने कहा इसमें हुआ क्या? उसने कहा हुआ नहीं, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको पार्षद की टिकट मिल गई है, पूरे हिंदुस्तान पूरे कानपुर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल जिसको हम चाहते थे पूरे कानपुर में लगी थी। हैं आप हमसे टाइम पूछ रहे हो? पुष्पा पाल, सही बता रहे हो भैया, लड़के नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के हमारी प्रेमिका का, और सर एक लड़की ये हमारे कानपुर में हो रहा, और एक लड़का तो मेरे घर के बगल में नारा लगा रहा था हमको सुना के, उसने कहा लैया बड़ी करारी है पुष्पा पाल हमारी है। तुम बताइए सर, अब हम होली बनाए, हम इतना डिस्टर्ब, हमारा मूड बहुत ख़राब है, इतना मूड ख़राब भाई साहब हम बता नहीं सकते। अद्भुत लोग हैं, हमारे एक दिन दांत में दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास चले गए, हमने डॉक्टर साहब दवा लिख दो दांत में बड़ी दिक्कत है। डॉक्टर साहब लिखने लगे, हमने कहा सर एक रिक्वेस्ट है कड़वी दवा बिल्कुल मत लिखना, तो उसने कहा ठीक है, लिखने लगे। फिर दोबारा हमने कहा सर कड़वी दवा मत लिखना, उसने कहा ठीक। तीसरी बार हमने कहा कड़वी दवा ना लिखना, तो उसने कहा साले रसगुल्ला लिख दे क्या बे, हैं कड़वी दवा ना लिखना। इन्हीं साहिल जी बैठे हैं, इतने दुबले पतले आदमी हमारे बगल में बैठा, हमको वो डर लग रहा है, अकाल हिंदुस्तान में क्यों आता है इनको देख के आप कह सकते हैं। इनकी बहुत दुबले पतले, इनकी जो पत्नी है हमारी भाभी वो भी बहुत दुबली पतली हैं, मान लो वो भी अगर मोटी होती और इनकी चेची साहब देख लो, तो शादी के अगले दिन पता है हेडिंग क्या छपती पेपर में, इनकी शादी के बाद अगर वो मोटी होती तो ट्रक चालक ने साइकिल चालक को रौंदा, ये होती भैया, हाँ यही हेडिंग होती सर, ट्रक यहाँ बुलडोजर भी कैसे, ट्रक चालक ने साइकिल चालक को रौंदा, चालक की मौके पर मौत। अच्छा कवि सम्मेलन में हम लोगों को रोज लिफाफा मिलता है 25,000, 30,000, 40,000, सुदीप भैया बड़े कवि उनको ज़्यादा मिलता है, लेकिन ये लिफाफा नहीं लेते। एक आयोजक ने लिफाफा दे, कहें हम लिफाफा नहीं लेंगे, तो उन्होंने पूछा क्यों, कहें देख नहीं रहे हम खुदा लिफाफा हैं तो लिफाफा नहीं लेते। करवा चौथ में पत्नी ने इनसे कहा हमारे लिए फ्रूट से ले आना फल, तो भाई साहब गन्ना लेके पहुंच गए, तो उन्होंने भाभी से पूछा कैसा है, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, तुमसे अच्छा है, कम से कम चूसा हुआ तो नहीं है। तो हमारे साहिल जी हैं, तो मैं बड़ा सा दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ सर, हैं लेकिन हाँ बस, तो इसीलिए थोड़ा बहुत मैं डिस्टर्ब रहता हूँ। 4 लाइन आपको सुना रहा हूँ, होली का समय 4 लाइन मज़ा आ जाए तो इसी तरह ताली बजा के मुझे फिर बताना कि आपको भी मौज आई, कानपुर में मौज बहुत आती है, सुनिएगा। हरा लगा के मरना है, लाल लगा के मरना है, उस साल लगा ना पाए थे इस साल लगा के मरना है, बाबा से पूछा अंतिम इच्छा कान में मेरे बोले हैं, मल्लिका शेरावत के गालों पे गुलाल लगा के मरना है। तो हमारे साथ हमारे घर में तो ये बड़ी दिक्कत है, कानपुर का हूँ मैं परमानेंट सर, इसलिए डिस्टर्ब रहता हूँ। योगी जी की सरकार भैया ने बताया आ गई है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के लोगों में है डर, क्योंकि सबसे पहले अगर उन्होंने बैन लगाया है तो प्यार मोहब्बत वालों पे लगाया है। होली में हम लोग प्यार मोहब्बत कर सकते थे, लेकिन योगी जी के आते ही लठ बजना शुरू हो गया है, तो प्यार मोहब्बत, हालांकि मैं प्यार करता भी नहीं हूँ। मेरी एक प्रेमिका थी, हमने उससे कहा कुछ खाया करो, बड़ी कमज़ोर हो गई हो, तो हमारा 50,000 रुपये खा गई, तो बहुत मुझे डर लगता है सर, सही बता रहा हूँ सर। तो मैं प्यार करता ही नहीं हूँ सर। किशोर राजवानी सर हैं, आपको जानते हैं, हमने सर से कहा सर एक दिक्कत है आप सॉल्व कर दीजिए, कहने लगे बताओ बेटा क्या है। हमने कहा सर एक लड़की वीडियो कॉलिंग पे बड़ी हमको धमकी दे रही है, उससे हम रात में चैट कर लिए, कहते बड़ी परेशान हो रही, वो हमसे पैसे मांग रही है।
तो ना इतनी अच्छी राय दी सर ने, राय अच्छी हो तो आप ताली बजाइएगा। तो हमने कहा सर बड़ा परेशान करती, वीडियो कॉलिंग हम उससे करते थे। तो उसने कहा बेटा ऐसा है, अपना अपना भाग्य है, तू जी ले अपनी जिंदगी, हो सके वो नंबर हमको दे दे, कुछ दिन हम उससे चैटिंग कर ले। तो प्यार मोहब्बत से, प्यार इतना अंधा होता है भाई साहब, मजा आ जाए तो हाथ उठक ताली, इतना अंधा होता है प्यार कि अगर प्रेमिका की नाक बह रही हो तो ऐसा लगेगा नथुनी में हीरा चमक रहा है। तो ये होता है सर कि प्यार से प्रेमिका अगर मान जाती है तो शर्मा के आंख फिर मूंद जाना तुम, होली में गाल यदि रंगने न दे तो क्वार्टर पी के घर में फिर कूद जाना तुम। फिर सोचे कि प्रेमिका, फिर सोच, हम लोग को यही स्टाइल है, फिर सोचे कि प्रेम, फिर सोचे कि प्रेमिका क्या हाल कर दिया, गोली में होली में गाल लाल लाल कर दिया, न साली लगे अच्छी न सास लगती है, बीवी तो केवल अनुप्रास लगती है, प्रेमिका के यारों में हाल क्या कहूँ, प्रेमिका तो बस चरमप्रास लगती है। फिर सोचे कि प्रेमिका, फिर सोचे कि प्रेमिका निहाल कर दिया, होली में गाल लाल लाल कर दिया, पीके भांग भाई उसका सुन्न मिलेगा, बाप भी पीके आपकी टुन्न मिलेगा, मैं पूर्वजों की बात कभी भूलता नहीं, प्रेमिका को रंगोगे तो पुण्य मिलेगा। फिर सोचे कि प्रेमिका, फिर सोचे कि प्रेमिका निहाल कर दिया, होली में गाल लाल लाल कर दिया। हेमंत।